Hey guys, welcome back to my channel Fitness and Lifestyle. आज है रक्षाबंधन, तो yes, मैं रेडी हो गई हूँ इस साल राखी के लिए. ये फर्स्ट राखी है मेरी शादी के बाद, तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी हूँ. एंड yes, हर साल की तरह जैसे होता है फैमिली गैदरिंग, वो ही होने वाला है. तो अभी मैं फ़िलहाल, टाइम हो रहा है 12:25, तो 12:25 हो रहे हैं. मैं निकल रही हूँ मम्मी के घर के लिए, एंड रास्ते में दो तीन काम है, वो करते करते मम्मी क्या चली जाऊँगी. एंड वहाँ तो जैसे भी होगा सब आएंगे, सब इन्जॉय करेंगे, वो तो मैं आपके साथ में शेयर करूँगी ही. उसके पहले मैं आपको योगेश दिखा दूँ. तो हम इस तरह से रेडी हुए हैं. यस, ओके. सो गाइस, कैसे हो आप सब? आप सबको रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाई. Yes. और मैं अभी देखूंगा दीतू का कैसे राखी. ये फर्स्ट टाइम हमारे घर पे. आपने ब्लॉग देखा होगा ना? ब्लॉग तो देखा था मैंने. हाँ, तो योगेश फर्स्ट टाइम हमारी फैमिली राखी में है. योगेश की जो सिस्टर है वो दूर रहती है, कजिन सिस्टर है. तो आज मैं इधर ही राखी मैं बांध देती हूँ. गाइस, मुझे अक्सर ये क्वेश्चन आता है कि वेट लॉस के बाद लूज स्किन फेस करनी पड़ती है या नहीं. एंड मोर ओवर, लेडीज अपने सैगी ब्रेस्ट को लेके बहुत ज़्यादा कंसर्न होती है, स्ट्रेस होती है. एंड ऑब्वियसली होना भी एक राइट पार्ट है. बट येस गाइस, मैंने हमेशा आपको ये आंसर दिया है कि वेट लॉस के बाद सैगी ब्रेस्ट या लूज स्किन होना कॉमन है. नॉट ओनली वेट लॉस, अगर आप प्रेगनेंसी वगैरह के बाद में भी देखोगे तो हमें सैगी ब्रेस्ट इशू फेस करना ही पड़ता है, जो कि बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग होता है. कई बार लाइक हम अपने पसंद के कपड़े नहीं पहन पाते हैं, वो एक प्रॉपर शेप या साइज़ हम फील नहीं कर पाते हैं. एंड उसके वजह से हम काफ़ी बार बहुत ज़्यादा डीमोटिवेटेड फील करते हैं. बट अब उसकी चिंता करना हमें छोड़ देना है, क्योंकि अब मैं आपके साथ में उसका सोल्यूशन लेके आई हूँ. सो हियर वी हैव एवरटीन फोमिंग एंड टोनिंग सीरम, जो हमें हेल्प करता है हमारे सैगी ब्रेस्ट को अपलिफ्ट करने में एंड प्रॉपर शेप देने में. हमें हमारे एरिया को क्लीन करके सफिशिएंट अमाउंट ऑफ सीरम लेकर सर्कुलर एंड अपवर्ड डायरेक्शन में हमें मसाज करना है फॉर 2 times a day फॉर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. इसमें काफ़ी सारे एसेंशियल ऑयल्स हैं जो हेल्प करते हैं हमारी सैगी स्किन को अपलिफ्ट करने में, हमारे स्किन की इलास्टिसिटी इंक्रीज करने से, जिससे हमारी जो ब्रेस्ट है वो वापस से एक प्रॉपर शेप में आने लगती है. इसे यूज़ करना कैसे है मैं आपको समझा चुकी हूँ गाइस. एंड लेडीज़, आई नो ये बहुत एक सेंसिटिव टॉपिक है, हम इजीली इस बारे में लोगों से बात नहीं कर पाते हैं एंड थोड़ा सा यू नो हेजिटेट भी होते हैं. एंड हम हमेशा ये भी सोचते हैं कि लोग इस बारे में बातें ना बनाएं. तो अब हमें इसका सोल्यूशन ईजिली और घर पर मिल गया, ना हमें कहीं जाके किसी से डिस्कस करना पड़ेगा, ना ही कोई मेडिकल में जाके आपको परचेस करना पड़ेगा. एकदम कंफर्टेबल हो कि आप ऑनलाइन इसे परचेस कर सकते हो. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारे प्रोडक्ट डिटेल्स एंड लिंक मिल जाएगी. साथ ही साथ गाइस, इसके बॉक्स के पीछे भी सारी डिटेल्स लिखी हुई है. एंड हमें इस तरह से एक पेपर भी मिल जाता है, डिटेल्स और भी क्लियरली मेंशन की है. तो आप पर्सनली इसे प्रॉपरली यूज कर सकते हो एंड रिजल्ट्स पा सकते हो. दिन में 2 बार इसे करो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. एंड यस गाइस, बहुत अच्छा रिजल्ट आया एंड आपका सैगी ब्रेस्ट का इशू कंप्लीटली दूर हो जाएगा. सो यस, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में परचेस लिंक से इसे परचेस करके घर पे ही अपनी सैगी ब्रेस्ट को बाय बाय करो विदाउट एनी हेजिटेशन, विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशंस. है रक्षाबंधन, हमारे घर में गेट टुगेदर है, राखी का बंधन. लगेगा आपको चक्का. आज है रक्षाबंधन, सब कैसे हैं? अपने अपने घर में सब फंक्शन कर रहे होंगे, त्योहार मना रहे होंगे. हम भी मना रहे हैं. तो आज गवर्नमेंट हॉलीडे तो है नहीं, स्कूल्स वगैरह सब चालू है मुंबई में. तो अभी इसकी बुआ आएगी. मेरी बुआ स्कूल नहीं जाती, बुआ टीचर. टीचर है, टीचर्स को भी छुट्टी नहीं है, बच्चों को नहीं है. तो बैंक हॉलीडे ने गुल्लीन भी बैंक गई है, बैंक हॉलीडे नहीं है. तो आज पूरा शेड्यूल थोड़ा अपसेट हो गया है, घर का कोड गया हुआ है. हाँ, तो सब प्रॉब्लम है. तो अभी 3 बज चुके हैं, 3 बज गए, ना लंच हुआ है ना राखी हुई है, इसलिए मैंने व्लॉग भी नहीं किया. मैं तो कब से आई हूँ आप लोगों को पता है. तो हम लोग ने क्या सोचा कि पहले लंच कर लेते हैं. हाँ, फिर रक्षाबंधन करते हैं, देखते हैं अभी कैसे सेटल होता. तब तक मैं बुआ को निकल के ऑलमोस्ट 40 मिनट्स हो गए. वो खाली मलाड से अभी तक पवई तक पहुंचे, क्योंकि बाहर बहुत ज्यादा ट्रैफिक मिल रहा है.
तो उनको पवई से भी आने के लिए आई गेस एक 40 मिनट्स लग सकते हैं, एक घंटा भी लग सकता है क्योंकि ट्रैफिक ज़्यादा है। तो हमने सोचा जैसे ही वो आएगी हम लंच एकदम रेडी रखते कि लंच करते ही फिर दादी के यहाँ जाके हम राखी का काम कर ले, क्योंकि एनीवेज गुरलीन भी बैंक गई हुई है, अभी तक आई नहीं है, एंड सिमरन भी अपने ससुराल से अभी तक पहुँची नहीं है, तो पूरा मैस हो गया इस बार। इस बार थोड़ा हो गया है। तो आप लोगों का रक्षाबंधन कैसे गया कमेंट करना। यस हाँ, मेरे छोटा बच्चा। बहुत लोग कुकी के लिए पूछ रहे थे, तो यस कुकी एकदम ठीक है। एज के वजह से बहुत सुस्त हो गई है, वैसे तबीयत उसकी अभी काफ़ी बेटर है, काफ़ी नहीं बेटर ही है, बस एज के वजह से सुस्त हो चुकी है, ज़्यादा नींद लेती है, खाना पीना भी उतना ज़्यादा नहीं खाती, तो थोड़ा रेस्ट मोड में ज़्यादा रहती है। तो हम उसको ज़्यादा डिस्टर्ब भी नहीं करते, उसको उसका टाइम उसकी स्पेस देते, इसलिए मैं हमेशा आती हूँ तो कुकी को आपको बहुत कम मिलवाती हूँ, तो सोचा आज मैं आपको कुकी से भी मिलवा दूँ। यहाँ बन रहे गरम गरम फुलके। अच्छा आपने इतना एक्स्ट्रा फास्ट हाँ, इसमें पनीर है, पनीर की भुर्जी एंड कहा गया नहीं है, बुआ पंजाब गई थी तो बुआ मेरे प्रसाद और पतीसा लेके आई है। तो अभी हम निकल गए और मैं दादी की सोसाइटी में पहुंच गई हूँ, सोचा ब्लॉग करके अपडेट दे दूँ कि राखी का फंक्शन फाइनली शुरू होने लगा है, एंड या जैसे भी होगा क्लिप शेयर करूँगी। पापा लोग की राखी जो है वो हो चुकी है, बुआ लोग पापा लोग को राखी बांध चुके हैं, बट अभी भी हम जो बच्चे हैं हम कजन्स बाकी हैं, क्योंकि अभी तक गुरलीन जो है बैंक में काम करती है तो बैंक हॉलीडे नहीं है, एंड जो मेरी बुआ का छोटा लड़का है, छोटी बुआ का छोटा लड़का, वो लॉयर है तो उसको भी ऑफ नहीं था, तो दोनों भी अभी निकले हुए हैं, एक 10-15 मिनट में आ जाएंगे, तो जब तक मैंने सोचा कि मैं चाय रख दूँ क्योंकि सबको जब तक चाय चाहता, शाम तो हो गई तो चाय तो चाहिए ही राइट, तो यहाँ बन रही है मेरी चाय, फिर उसके बाद में जब वो लोग आ जाएंगे तो हम बच्चे भी राखी बांधेंगे। इतने सालों में ये फर्स्ट टाइम हुआ है कि राखी का जो हमारा फैमिली रिचुअल है वो बहुत डिले हो चुका है, एक्चुअली अभी सबका लाइफ चेंज हो गया है, सबका रूटीन चेंज, सब बिजी हो गए हैं, तो इट्स ओके, एटलीस्ट हम कैसे भी मैनेज कर रहे हैं वो इम्पॉर्टेंट है राइट, तो बस मैनेज हो रहा है, तो मेरी चाय उबल चुकी है, दूध डाल देती हूँ।